स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप सभी ने CUET 2022 का एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी का स्कोर अगर कम भी है तो आप चिंता ना करें, आपको जो है आपका एडमिशन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। उस इसके लिए आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, और किसी भी मतलब की और अपडेट के लिए या कोई अगर आपको परेशानी आती है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, जो सबसे पहली और सबसे हाई कट ऑफ जाने वाली है पूरे इंडिया में अगर किसी कॉलेज की किसी यूनिवर्सिटी की, तो वो है DU का साउथ कैंपस। ये आप मान के चलिए उसके जो मतलब कि कट ऑफ नंबर में जाने वाले हैं वो तकरीबन 700 या उसके ऊपर भी हो सकते हैं, 650 के तो ऊपर रहेंगी ये मान के चलिए। तो ये अगर 900 का मतलब कि वहाँ पर पूर्णांक रखा गया तब की मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ वहाँ का आएगा, लेकिन अब जिनका उसमें भी कम है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि मायूस हो जाएंगे, क्योंकि हम उनका नंबर उतना गया ही नहीं। तो उनके लिए क्या है कि वो थोड़ा वेट करें, क्योंकि DU में एडमिशन जब भी होगा एक मतलब कि वहाँ सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो एक ही राउंड में तो आप हो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही जैसे और राउंड आएंगे, तीसरा चौथा पाँचवा, तो कट ऑफ जो है लो होती जाएगी। और इसके अलावा आप जो है एक यूनिवर्सिटी तो फिल किए नहीं है, यदि DU का इतना कट ऑफ गया है तो और यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो है उससे कम ही होगा। लाइक आपका BHU हो गया, JNU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरह से और यूनिवर्सिटी के कट ऑफ आपके कम ही होंगे। और यदि आपको BHU, AU और अलग अलग यूनिवर्सिटी पर मतलब पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जो कट ऑफ पर है, तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं उस पर भी बनाऊंगा। अब मान लीजिए किसी का स्कोर जरूरत से ज़्यादा कम है, जैसे 400 है और किसी का 700 है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कंपेयर करना बहुत मतलब कि एक प्रकार से नाइंसाफी हो जाए, क्योंकि 700 और 400 का तो भाई कंपेयर हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका फिर भी एडमिशन हो सकता है, और 700 के मतलब की कैटेगरी वाले बच्चे में भी आपका एडमिशन हो सकता है। उसका कारण ये है कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो एडमिशन होगा वो परसेंटाइल बेस पर होगा, ना कि स्कोर बेस पर होगा। अब आप कहोगे परसेंटाइल क्या होता है, तो देखिए कई सेक्शन में एग्जाम हुए थे और हर सेक्शन वाले बच्चों का स्कोर अलग होगा। जैसे किसी का 600 स्कोर आया रहेगा तो उसका 80% बना है, और किसी का मान लीजिए 550 स्कोर आया, 500 स्कोर आया है और उसका 85% बना है, तो 85% वाला जो है उसको जो है वरीयता जरूर मिलेगी। तो ये मान के चलिए कि आपके पेपर का लेवल कैसा था और आप जिस सेक्शन में दिए थे उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल क्या है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि CUET जो है स्कोर का नॉर्मलाइजेशन करेगा और वही प्रक्रिया जो है परसेंटाइल के रूप में निकल कर आती है। तो बातें आप सभी को समझ में आ गई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको दिक्कत है आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प के लिए लगातार तैयार हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।